तो कितने रुपए का लेते हो आप खाना यहाँ? एक रुपए में भरपेट खाना खाते हैं। भरपेट खाते हो, अच्छा लगता है आप दोनों को खाना? कितने रुपए का खाना है? एक रुपए का। हेलो दोस्तों, मैं भूखा शेर आ गया हूँ नई वीडियो के साथ। यहाँ की एक रुपए के अंदर, मात्र एक रुपए के अंदर दिया जा रहा है भाई खाना, अनलिमिटेड खाना दिया जा रहा है। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ कैसा खाना दिया जा रहा है, आओ अंदर चलते हैं। और भाई इसकी लोकेशन की बात करी जाए तो भाई ये नांगलोई है, नांगलोई में भूत वाली गली है, उसी के गली के आप सीधा स्ट्रेट आओगे, ये आपको गली दिख जाएगी सीधा श्याम प्रवेश रोई के नाम से। ये देखिए भाई, तो अंदर चलते मेरे साथ आ जाओ भाई। हमारा एक रुपया और ये दाल मिली है भाई, इसके अंदर एक रुपया डालते हैं। और यहाँ पे अपने आप देख सकते हो कितने बढ़िया से सेटअप कर रखा है। ये अपनी प्लेट आ गई यहाँ से, ये एक चम्मच आ गया और ये एक गिलास आ गया भाई। तो भाई ये यहाँ पे चावल रखे हुए हैं, ये देखिए हर डाल का ही डालना, मात्र एक रुपये में। ये देखिए आप पुलाव देखिए भाई, पूरे मटर वटर डाल के। ये क्या भाव जी, डालना थोड़ा सा डालना बस बस। और ये क्या है, ये मटर पनीर है भाई, क्या बात है। चावल में क्या क्या होगा, क्या बात है। ये हलवा है यहाँ पे, दो पूरी। तो ये होगी भाई मात्र एक रुपए में थाली हमारी। तो अंदर चलते आओ, अंदर का खाना, एक रुपए में खाना खा रहे हैं, मात्र एक रुपए के अंदर खाना। तो अंकल से पूछते एक बार, ये अंकल कितने रुपए का खाना है? एक रुपए का है। यहाँ कैसा लग रहा खाना? बहुत बढ़िया। और कब से आ रहे हो आप यहाँ पर खाना? बहुत बहुत दिन से आ रहे हो, अच्छा लगता है खाना यहाँ पे? थैंक यू। अच्छा आपको दिखाई नहीं देता से। और ये देख रहे हो एक रुपए का अंदर मटर पनीर दिया जा रहा है यहाँ पर। दांत भी नहीं आपको क्या? तो ये बीस साल से ऐसी आप। तो भाई ये यहाँ पर एक रुपए की थाली है, देखिए यहाँ पर मटर पनीर भी दिया जा रहा है आपको, ठीक है, चाप भी दी जा रही है भाई, हलवा भी है, दाल भी है और पुलाव है और भाई पूरी है। और ये भाई मात्र अनलिमिटेड में है, एक रुपए का अनलिमिटेड दिया जा रहा है भाई यहाँ पर। एक बार टेस्ट कर लेते हैं भाई, मटर पनीर टेस्ट करते हैं भाई, काफ़ी बढ़िया टेस्ट है। जैसे कि भाई शाम रसोई है तो इस चीज़ को तो भाई ये प्रसाद है, इसको तो गलत बोल ही नहीं सकता भाई। हाँ हाँ अच्छा ही, वही तो बात है ना। और वो भी मात्र एक रुपये में दिया जा रहा है, इसको हम कोई जज ही नहीं कर सकते भाई, और ना कोई कर सकता इस चीज़ को जज। और टेस्ट की बात कही जाए ना भाई, एकदम लाइट मसाले और एकदम हल्का खाना है, घर जैसा खाने जैसे आपको घर में मिल रहा है ना भाई, वैसे ही खाना है पनीर। और चाप और देख लेते भाई सोयाबीन के, ये देखिए भाई चाप डाल रहे हैं भाई, काफ़ी मज़े आ रहे हैं। दाल देख के दो महीने से कंटिन्यू आ रहा है। तो कितने रुपए का मिल रहा है यहाँ पे? 6 रुपये। टेस्ट बढ़िया है, टेस्ट बढ़िया है, क्वालिटी चेक कर सकते हो भाई। ये देखिए चावल है, मटर भी डाला है अच्छे से, मटर पनीर भी है यहाँ पर, चाप है, हलवा है, दाल है भाई। एक बार हलवा चेक करते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है भाई हलवे की, जैसे कि देसी घी में इसको बना रखा भाई। तो मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया है वीडियो बनाकर, अगर आपको मज़ा आएगा वीडियो देख के तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें भाई। श्री शाम रसोई, तो ये इनकी संस्था है श्री शाम रसोई का, आप पूरे में देख सकते हो भाई। एक रुपये में भरपेट खाना दिया जा रहा है यहाँ पर, देखिए। तो भाई इसको आपको कभी ये थाली खाने आनी हो तो भाई आ सकते हो नांगलोई में, भूत वाली गली के अंदर, श्री शाम रसोई के नाम से आपको दिख जाएगी भाई ये। तो भाई इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और जो भी डिटेल होगी एक बारी पाऊजी से, और मिलते पाऊजी से पूछते अपना। भाई मैं शाम रसोई में जैसे कि आया हुआ था, और एक रुपये का मैंने खाना लिया और भाई काफ़ी बढ़िया टेस्ट था। तो ये यहाँ पर पाऊजी हमारे परवीन सर, जो कि इस रसोई को मेंटेन करके यहाँ पर चला रहे, तो इन्हीं से बात करते हैं, और कब से चला रहे हैं, क्या टाइमिंग है, कैसे सेवा कर रही है, भाई बात करते हैं। नमस्ते भाव जी, पहले बात। नमस्कार, जय श्री शाम, नमस्कार श्री देशवासियों, नमस्कार माता। तो भाव जी पहले तो ये बताएं, मतलब ये रसोई आप कब से चला रहे हैं? 3 साल प्लस हो गए। 3 साल प्लस जिस हो गए, तो ये कंटिन्यू खाना यहाँ पे चलता आ रहा है। 1 रुपये की थाली हर पेट वाली, हाँ ये प्रवीण जो ग्रामीण है, किसी एक आउटकम सभी के सहयोग से चल रही है, सभी के दान से चल रही है। मैं किसी को अगला पानी भी नहीं पिला सकता, मेरे क्या उपाय है भैया, सभी के सहयोग से चल रही है और सभी के साथ से चल रही है।
इस सेवा में किसको जुड़ना हो तो कैसे जुड़ना? तो यार ये नंबर लिखे हुए हैं लोगों पे, आप आइए और हमें पैसे भी नहीं चाहिए। चावल दाल जो करें केवल आटा ना करें, आटा और मसाले ना करें। मसाले हम अपने पिछवाते हैं और जो आटा होता है हरियाणा से गेहूँ में जाता है, हमारे पास आती है। आप रिफाइंड दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, मगर मसाले और आटा नहीं दे सकते। तो जैसे कि सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात और कहूँगा, चावल 100 रुपये किलो वाले ना दें, 80 रुपये किलो वाले ना दें, 50 रुपये किलो चावल बहुत अच्छा है वो भेजेंगे। अगर आप एक किलो चावल भेजोगे कम से कम भी 5 से 10 आदमी भेज सकते हैं, क्योंकि एक किलो चावल को 3 किलो चावल बनते हैं अखबार के। कच्चे चावल अगर 1 किलो है उसके 3 किलो बनते हैं, कितने बंदों को पेट में जाएंगे आप हिसाब लगा के देखिए। इसी तरीके से हमारा सिस्टम है, सभी लोग आ रहे हैं, सभी के सहयोग से चल रहा है। और जो मेरे पास था मैंने लगा दिया, वो लगाने के लिए मेरे को नहीं, और ना हमारे यहाँ पॉलिटिक्स चलने देंगे, ना पॉलिटिक्स मांगेंगे घुसने देंगे। आना है सेवा रूप में, आओ खाना खाओ, सेवा करो, चले जाओ। ये नहीं है यहाँ पर भी पार्टी वाली को रखना, हमारा एक ही कहना है कि भूखा सोए ना, भूखा उठ जाए। सभी से प्रार्थना है देशवासियों से कि अपने अपने शहरों में, अपने गाँव में 10-10 आदमी जिस आदमी उसको मिलकर चलाना। अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं, ये मेरे नंबर है, ये यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, श्री सालो रसोई चैरिटी, ये ट्रस्ट है, आप इस पर जो भी आप दान देना चाहें दे सकते हैं। और जैसे पहली बात तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, आप हमें पैसे दे मत, आप हमें चावल आदि किलो किलो चावल का भी दान देंगे, उससे बहुत आगे गाड़ी चलती है। क्योंकि जो गरीब आदमी है उसको चावल बड़े पसंद है, रोटी कम खाता है चावल ज़्यादा खाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई थोड़ा थोड़ा योगदान करता है। नहीं मैंने क्वालिटी भी देखी, मैंने अभी आपने खाना भी देखा होगा, मतलब क्वालिटी ऐसी नहीं है कि कुछ भी 1 रुपये का है तो कुछ भी दे रहे हो। उसमें 1 रुपया इसलिए लिया जाता है उसके माल सामान को खरीद, क्या हम फ्री में खा रहे हैं या कुछ भी ऐसा नहीं, खाने की क्वालिटी 1 रुपये भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि 1 रुपये दे रही है। सभी के सहयोग से चल रही है, सभी के भागीदारी सहयोग, पूरी इंडिया का सहयोग है, पूरे आप भाइयों का सहयोग है, आप लोग आए हो आपको भी सहयोग है। जय श्री साहब।